ये जो एक महिला है ये रहने वाली बरेली की है, इनका मायका रिछा का है। आज से 4 साल पहले इनके शौहर ने इनको तलाक दे दिया था, 3 तलाक बोल के ये अपने घर वापस आ गई। 4 साल इसने जो भी स्ट्रगल करा, और इसका एक बेटा था उस टाइम। आज से 1 साल पहले इन्होंने शादी कर ली दूसरी, और ये अपने हस्बैंड के साथ ठीक ठाक रह रही थी। एक दिन ये अपने मायके जा रही थी, तो उसमें इनके हस्बैंड ने इनका बेटा उठा लिया, और अब वो ये बोल रहा है कि उसने तलाक ही नहीं दी है। जब ये बात आई तो इन्होंने कहा कि बिना तलाक के तो दूसरी शादी होती ही नहीं हम लोगों में, तो मैं दूसरी शादी करती क्यों? आज से 4 साल पहले आपने मेरे बारे में कुछ पूछा क्यों नहीं जब मैं इस घर से गई थी? तो अब जो बीच में मीडिएटर पड़े तो उन्होंने ये कहा कि आप 15 दिन उस आदमी के साथ रह लीजिए, 15 दिन इस आदमी के साथ रह लीजिए। इस पर इन्होंने उन पर मुकदमा कर दिया कि मेरे बेटे को उठा के ले गए। जो मुकदमा और जो FIR हुई है वो छेड़छाड़ की FIR हुई है, अपहरण का मुकदमा नहीं लिखा गया है, ठीक है। और जो उसके बाद हस्बैंड ने इनको प्रेशर में डालने के लिए 11 धाराओं में एक FIR कराई, जिसमें 400BC जैसे धाराएं सेक्शंस लगाए कि इन्होंने दूसरी शादी कर ली इनको धोखा देके, जबकि 4 साल से उन्होंने ही पलट के इनको नहीं पूछा ये कहाँ पे है। फिर इसी बीच में इनके जो भी बातचीत होती रही आपस में, तो उसमें यही एक सूरत निकाल के ये दे रहे हैं कि 15 दिन आप वहाँ रहो, 15 दिन यहाँ रहो, बेटा वो देंगे नहीं, और इस तरीके की बातें कर रहे हैं। क्या लगता है देखिए आप ये कह सकते हैं कि 3 तलाक का जो एडवर्स इफेक्ट था वो यही था कि इसमें कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि तलाक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आदमी के ऊपर ही सारी चीज़ें रख दी गई थी कि अगर आदमी ने एक्सेप्टेंस दे दिया तो हो गया, अगर आदमी ने नहीं दिया तो नहीं हुआ। आज वो दे के मुकर गया, तो इसमें भी इन लोगों का ये कहना है जो मौलाना कि अगर वो दे के मुकर गया तो उसका सारा गुनाह उसके ऊपर आ गया है। तो गुनाह नहीं गुनाह ये सब सेकेंडरी है, बट प्रेजेंटली इस औरत की ज़िंदगी तो ख़राब हो गई कि ये किधर जाए, कि आप देख के मुकर गए, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गई, तो आप फिर मूव ऑन करने के बाद आप वापस आ रहे हैं, बच्चा ले जा रहे हैं, ये तो गलत है। साथ ही साथ जो हमारा पुलिस प्रशासन है वो इतना ढीला, इतना ख़राब रवैया कि इसका बच्चा इसको दिलवाने की जगह आप छेड़छाड़ का मुकदमा लिख रहे हैं, ये तो गलत है। 4 साल के बच्चे की कस्टडी माँ के पास रहती है, अगर ये मुकदमा फाइल करेगी तो मुकदमा जब तक चलेगा तब तक कस्टडी उसके हस्बैंड के हाथ में आ जाएगी, 7 साल का लड़का बाप के पास चला जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो महिला का उत्पीड़न सिर्फ हम जितने भी पुरुष हैं हमारी सोसाइटी में वो ही नहीं करते, उनके साथ में जो पुलिस प्रशासन जो कानून हमारे लिए बना है वो उनका हो गया है, वो उन्हें एट लास्ट उन्हीं को फ़ायदा करता है कि अगर हम 498 लिखवा रहे तो लड़का कहते हैं 498 लिखवाया उससे क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे और कुछ तो नहीं लिखा है। 498 के साथ कोई और धारा लगती है तो उसके कह देते हैं एज अ गिफ्ट आ रही है 498 के साथ, ऐसा नहीं हुआ होगा। तो जो कानून है वो महिला का उत्पीड़न ही कर रहे हैं, तो उससे क्या फ़ायदा है? जो इनका मुकदमा लिखा गया, पहली बात तो वो मुकदमा ही गलत है कि उसमें छेड़छाड़ का है, ठीक है। और मेरे ख्याल से जो हमारे इस टाइम SSP, हम उनसे पर्सनली मिलकर इनके बारे में बात करेंगे, इनका बेटा इनको वापस दिलवाया जाए। बाकी जो वो कह रहा है उसने तलाक दी या नहीं दी तो वो बहुत सेकेंडरी चीज़ है, जो प्रायर प्रॉब्लम। ये जो मामला है आज हमें इसकी जानकारी मिली आप लोगों के थ्रू, और इसमें अभी महिला हमारे पास नहीं आई है, और इस तरह की बात की जानकारी कराई जा रही है, और महिला के द्वारा कोई तहरीर मिलेगी तो उस पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करा के इस पर पूरी सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिला का आरोप है कि उसके बच्चे का अपहरण कर लिया गया था अगस्त में, और उसने 100 नंबर को फ़ोन किया, पुलिस से शिकायत की, कई बार SSP साहब से मिली, थाने भी गई, लेकिन उसके 4.5 साल के बच्चे को आज तक पुलिस उसको नहीं दिखा सकती। ये परिवार का मामला है, इसको भी अगर वो हमारे पास आती है तहरीर लेके तो हम इसको दिखवाएंगे, और अगर इसमें कोई हमारे कानूनी कार्रवाई की जरूरत होगी, पुलिस कार्रवाई की, तो हम उसको करवाएंगे। एक बात जो पंचायत वाली सामने आई है उस पर उसके बारे में क्या जानकारी? ये अभी तक हमारे संज्ञान में ऐसा मामला नहीं आया, मैं थाने पे भी जानकारी की थी, इस तरह की बात हमारी जानकारी में नहीं आई है, और इस तरह की बात कोई आती है तो इस पर हम आवश्यक कार्रवाई कराएंगे।